नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राज राठौड़ और आप देख रहे हैं फिलोसॉफिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्राचीन समय में हमारे भारत देश को विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उस समय सभ्य और कोई विकसित सभ्यता थी तो वो थी भारत की सभ्यता। दोस्तों, जब पूरी दुनिया के पास स्कूल जैसा एजुकेशन का सिस्टमेटिक ढंग का कोई तरीका नहीं था, तब भारत के पास खुद की अपनी यूनिवर्सिटी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी की। आज हम आपको बताने जा रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ रोचक फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पटना से लगभग 90 किलोमीटर दूर और बिहार शरीफ से करीब 12 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है विश्व प्रसिद्ध प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडर। यहाँ 10,000 छात्र पढ़ते थे और 2,000 शिक्षक उन्हें किसी जमाने में यहाँ पढ़ाते थे। गुप्तकालीन सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। जब नालंदा यूनिवर्सिटी की खुदाई की गई, तब इसकी विशालता और भव्यता का एहसास दुनिया को हुआ था। इस यूनिवर्सिटी के अवशेष 14 हेक्टर क्षेत्र में फैले मिले थे और खुदाई में मिली सभी इमारतों का निर्माण लाल पत्थर से किया गया था। इस कैंपस की सबसे मेन बिल्डिंग विहार वन थी। यहाँ 2 मंजिला इमारत आज भी शेष है। यह इमारत परिसर के मुख्य आंगन के समीप बनी हुई है। संभव है यहीं टीचर्स अपने स्टूडेंट को एड्रेस किया करते थे। इस विहार में एक छोटा सा प्रेयर हाउस भी है, जो आज भी अच्छी कंडीशन में बचा हुआ है। इस प्रेयर हाउस में भगवान बुद्ध की भग्न प्रतिमा बनी हुई है। इससे लगता है यहाँ के स्टूडेंट भगवान बुद्ध की प्रार्थना किया करते थे। यहाँ के यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग काफ़ी लंबी और चौड़ी और डेकोरेटेड थी और यहाँ तांबे और पीतल की भगवान बुद्ध की प्रतिमा होने के प्रमाण भी मिले हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के रहने की उत्तम व्यवस्था थी और वहाँ लगभग 8 छोटी छोटी स्कूल्स और 300 कमरे थे। ये कैंपस कई पार्ट्स में डिवाइडेड था। उनमें कई छोटी छोटी स्कूल्स और हॉस्टल्स थे। हर डिवाइडेड पार्ट में स्टूडेंट्स के नाने के लिए तरण ताल यानी बाथरूम्स थे, जिनमें नीचे से ऊपर तक पानी लाने का भी सिस्टम था और उन रूम्स में सोने के लिए पत्थरों के बेड भी मौजूद थे। नालंदा यूनिवर्सिटी के 3 बहुत फेमस पुस्तकालय थे, जिन्हें रत्नोदधि, रत्न सागर, रत्न रंजक के नाम से जाना जाता था। बहुत से इतिहासकारों ने ऐसा भी कहा है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में एजुकेशन, हॉस्टल्स और खाने का कोई चार्ज नहीं लिया जाता था। मतलब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी सिर्फ डोनेशन से चलती थी। इस यूनिवर्सिटी में प्राचीन पाली भाषा में शिक्षण कार्य किया जाता था और 12वीं शताब्दी में बारी आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के आक्रमण से ये गौरवशाली यूनिवर्सिटी लगभग नष्ट हो गई थी।